बालाघाट प्रदेश में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच मध्य प्रदेश शासन ने बालाघाट के आदिवासी नेत्र हिरासन बाई उइके को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। प्रदेश शासन के आदेश जारी करने के बाद आदिवासी समाज में हर्ष का माहौल है। आपको बता दें, राज्य मंत्री हिरासन उइके शिक्षिका के पद से सेवानिवृत्त लेकर राजनीति में प्रवेश किया था। पूर्व में गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला से नवाजा गया था, जिन्होंने बेहर विधानसभा और बालाघाट संसदीय सीट से सांसद का चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी है। हालांकि इस दोनों चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन आदिवासी समाज में उनकी बेहतर छवि को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कुछ वर्ष पहले अपने दल में शामिल किया। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर राज्य मंत्री हिरासन उइके ने मिली जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करने, विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचाने की बात कही है। श्रीमती उइके ने बेहर को जिला बनाने की बात पर भी जोर दिया है। ये देखा गया कि जैसे भी सरकार काफी उसमें चल रही है, क्या लगता है आपको? अब स्थिति ये लगती है कि मैं सरकार से पक्ष विपक्ष यही कहना चाहूंगी कि जब जनता ने जनता के लिए जनता से चुनी हुई सरकार थी तो 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होना था, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो ये तो लगा सरासर लोकतंत्र की हत्या। और 26 तारीख के बाद पता चले बहुमत मेरे परिवार के संगठन के पार्टी के, जब 16 विधायक और मंत्री, 6 मंत्री तो इस्तीफा दे दिए हैं और 16 विधायक को कैद करके रखा गया है, तो अब बहुमत के लिए सरकार को तो अभी 112 विधायक चाहिए, 112, और जिसकी भी बीजेपी के पास, हमारे पास तो ऑलरेडी है, सरकार हमारी रहेगी और 4 साल शासन करेगी। मैडम, ये भी देखा है कि बैयर को जिला बनाने की काफी मांग हुई थी, लेकिन अब तक नहीं बन पाया, किस तरह के कदम रहेंगे उसको जिला बनाने के लिए? सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि बैयर को जिला बनाने के लिए संघर्ष समिति की मैं अध्यक्ष थी, और पहली प्राथमिकता रहेगी कि बैयर आज़ादी के बाद सबसे, अगर पुराना तहसील तो बैयर है और सबसे बड़ा तहसील बैयर है, तो सबसे प्रमुख तक से बैयर को जिला बनाने की मेरी कोशिश है। आपको मैम, आपको आज राज्य मंत्री का दर्जा मिला, किसे देती है अपनी सफलता? सबसे पहले तो बालाघाट जिले की जनता को देना चाहूँ, क्योंकि उनका स्नेह का, जिस मकसद से मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आई, समाज की सेवा, जनता की सेवा के लिए मैं अपने नौकरी को दांव में लगा, तो बस आप सभी लोगों का और जिलेवासियों का, प्रदेशवासियों का प्यार है और उनका मेहनत है जो मुझको इस पद पे चयन किया। क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जिस पद से मुझको नियुक्ति दी गई है, जिस विभाग से मुझको नियुक्ति दी गई है, तो उस विभाग का दायित्व, खर्च, कर्तव्य, उनके कार्य जनता तक कैसे पहुंचे, वो मेरा पहली जिम्मेदारी है। और मैं भी देखा गया कि बैयर तहसील में काफी अपने आदमी, ऐसे में वो काफी प्रताड़ित भी होते हैं, तो किस तरीके की मतलब उनको लाभ देने की? सबसे पहले तो प्रताड़ित के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग है, उनकी समस्याओं के लिए आर्थिक, जो सरकार की योजनाएं हैं, आखिरी छोर का व्यक्ति को कैसे मिले वो जिम्मेदारी। तो मुझको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है तो वो मेरी खुशी नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है और वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आखिरी छोर का व्यक्ति को क्या कार्य दे।